कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम अपना किचन में नाश्ता की रूटीन शेयर करने जा रहे हैं। तो ये देखिए मैं किचन में इन कर चुकी हूँ और ये हमारा दूध उबाला हुआ है। ये कुछ सब्जियाँ कटी हुई है जैसे गोभी है, मटर छेमी है, आलू है। तो मैं गोभी आलू मटर छेमी की सब्जी बनाऊँगी और सेवैयों की खीर बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए हम पैन चढ़ा लिए सेवाइयों की भुनने के लिए। हम घी इसमें ऐड करते रहे 1 चम्मच, इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा घी मेल्ट हो गया है और ये देखिए काजू है तो हमारे पास बारीक वाला सेवई है जो कि बिल्कुल भुना हुआ है, मगर फिर भी हम हल्का इसको रोस्ट करना चाहते हैं। हल्का सा रोस्ट कर देने से घर में अच्छा लगता है इसको इसमें। ये देखिए हमारा इधर रोस्ट हो रहा है, ये दूसरे गैस की तरफ हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरफ हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारा हल्का सा रोस्ट हो गया है, बिल्कुल रोस्ट किया हुआ रहता पर फिर भी हम थोड़ा सा इसको हल्का रोस्ट कर लिए। हम उबाला हुआ दूध में ऐड कर देते हैं, मलाई उलाई सब चीजें था इसमें दूध ऐड करते हैं। इसको मिक्स करके इसको पका लेते हैं। हमने सुबह में उठ करके झाड़ू पोछा सब कर लिया है, किचन को भी हमने क्लीन करके रख लिए और सब्जी वगैरह सब काट के फिर हम किचन में आए हैं। ये हम कढ़ाई में तेल डाली, हमारा गर्म हो गया है। सरसों का तेल हमने डाले हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा का फोरन डाल देते हैं और थोड़ा सा काली वाली सरसों डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा सोटे होने देंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। ये हमारा थोड़ा सा सोटे हो गया है, अब हम इसमें प्याज भी ऐड कर देते हैं कटा हुआ। ये हम चॉपर में बिल्कुल बारीक साइज काट लिए थे, एक बड़े साइज का प्याज है। अब हम इसको फ्लाई कर लेते हैं। इस तरफ हमारा फिरने भी रेडी हो रहा है। ये उबाला दिया है थोड़ा सा और ये होगा, ये हमारा फिरनी हो गया है। सेवाइयों की फिरनी बिल्कुल जल्दी से रेडी होता है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि चीनी डालने पर फट जाता है, अब गैस को ऑफ करके चीनी डालिएगा तो नहीं फटेगा। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, गैस हमने बंद कर दिए हैं। इस तरफ हमारा प्याज लाल हो रहा है, थोड़ा सा और प्याज लाल हो जाएगा तो हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे फ्राई होने के लिए। ये हमारा फिरनी रेडी हो गया। अब हम इसमें काजू थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं, इसको एक साइड में रख देते हैं। ये हमारा प्याज अच्छा से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें गोभी भी ऐड कर देते हैं। आलू भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा हम फ्राई करके हर तरफ हम फ्राई कर लेंगे। हर करके इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छा से। ये हमारा सब्जी अच्छा से ये फ्राई हो गया है, ये देखिए कलर भी आ गया। एक बार हम बीच में चला लेते हैं इसको और सब मसाले ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे और जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी दे करके इसको गलने तक पका लेते हैं। इसमें मटर छेमी भी ऐड कर देते हैं, ये भी साथ साथ भून जाएगा और गल जाएगा। इस तरफ हम आटा ले लिए हैं इसको गूंदने के लिए, चपाती बनाने के लिए। इसमें थोड़ा सा हम कलौंजी ऐड कर देंगे। कलौंजी जरूर से ऐड किया करें क्योंकि ये हमारे नबी का सुन्नत है और पेट के लिए फायदेमंद है। और नमक भी हम ऐड कर देते हैं, इसको गूंद लेते हैं।
अब हम आटा को गूंद लेते हैं पानी दे करके। आप मेरे वीडियो को जरूर देखा करें क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और लाइक क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। ये हमारा आटा गूंद करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको ढक करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। और आप जब भी जो काम करें तो बिस्मिल्लाह करके करें। और हम औरतों को जरूरी है कि अस्तगफार और दुरूद की विद किया करें। अस्तगफार पढ़ने से हम औरतें की गुनाहें मिटती है और दुरूद पाक पढ़ते रहने से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचती है। और जब भी काम कुछ करें तो अल्लाह का विर्द करके ही करें और जिक्र करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। हम सब्जी अंदर चला लेते हैं। बिस्मिल्लाह हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं क्योंकि सब्जी को गलने के लिए हम टमाटर नहीं लिए थे पहले। टमाटर के साथ सब गल जाएगा और सब्जी को थोड़ा बहुत बचा हुआ रहेगा वो भी गल जाएगा। धीमी आंच में हम इसको छोड़ देते हैं बिना पानी का। ये देखिए हमारा सब्जी रेडी हो गया है। इस तरह मिक्स कर लेते हैं। एकदम भुना हुआ सब्जी अच्छा से रेडी हो गया है। हमारा गल गया। टमाटर भी सब्जी भी बिल्कुल अच्छा से गल गया है। ये देखिए आलू भी अच्छा से गल गया, गोभी भी गल गया अच्छा से। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। ये हमारा सब्जी रेडी हो गया। हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए अब मैं चपातियां बनाने लगी हूँ। मैं बेल लेती हूँ अब इसको। ये देखिए हमारा तवा चढ़ा हुआ है। तवा गर्म हो जाता है तो हम इसमें रोटी ऐड कर देते हैं। हम रोटी डाल दी है। देखिए एक तरफ हम इसको पलट लेंगे। हमारे चपाती अच्छा से फूल गया है। इसी तरीके से हम सभी रोटियां बना लेते हैं। ये दूसरी चपाती भी हमारा सिक जा रहा है। इस तवा पे हम एक रोटी और डाल देंगे। ये देखिए ये भी बिल्कुल अच्छा सा फूल गया हमारी चपाती। ये देखिए अब मैं एक छोटा सा फ्राई पैन ले ली हूँ। इसमें हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। अंडा का पोच बना लेते हैं। नमक डाल दिए और थोड़ा सा गुलकी का पाउडर ऐड करते हैं। ये देखिए आज का हमारा नाश्ता यानी मॉर्निंग का नाश्ता ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो गया है। ये चपातियां बन गई है और ये हमारा अंडा का पोच बना हुआ है। ये गोभी आलू मटर छेमी का सब्जी और ये सेवाइयों की खीर। कैसा लगा आज का हमारा नाश्ता का रूटीन प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।